फरीद साहब हकान सर आए हैं। हकान अंदर। हकान क्यों? एक छोटी सी बात करकर चले जाएंगे। भेजूं अंदर? भेज दो। मिस्टर फरीद बिल्कुल परेशान मत होना। बोलो हकान। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर है मेरे पास। अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ तुम्हारे फायदे के लिए। किसी दूसरे से ना सुनो, इससे अच्छा है मुझसे सुन लो। क्या तुम सुनोगे? दमित और मैं बुलुत का सरपरस्त बनने के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। कैसा लगा? जैसे कि मैं जानता हूं, दैमित और तुमने आज तक बुलुत को पसंद नहीं किया। हाँ, बुलुत 7 साल की उम्र को पहुंच गया है, जानते हो ना? तुम्हें कहां से बुलुत की फिक्र हो गई अब? ऐसे वजाहत कर दूं, बुलुत का तुम्हारे जैसे तन्हा आदमी के साथ रहना सही नहीं है। उसको अपनी फुप्पी से ज्यादा अपनी फैमिली की जरूरत है। उसके लिए ये फायदेमंद रहेगा। हमारी अर्जी पर अदालत मुनासिब तरीके से गौर करेगी। यकीन करो, अदालत समझ जाएगी तुमने ये सब विरासत के लिए किया है। बुलुत को अपने माँ बाप खोए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तुम उसको विरासत के चक्कर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ तुम क्या खेल खेलना चाहते हो। एक मिनट, कोई गलत फहमी है, समझे? मैं तुमसे इजाजत नहीं ले रहा। मैं तो तुम्हें यहाँ बताने आया हूँ। तुम्हारा वक्त लेने के लिए माफी चाहता हूँ। इस वक्त के निजाम में छोटी सी गड़बड़ी कल तुम्हें बहुत बड़े सदमे से बचाएगी। अपना काम करो अब। मिसेस इकबाल, आप जल्दी से लॉयर्स को मीटिंग के लिए बुलवाएं। 2, 3 चलो आंख खोलो। सरप्राइज! अरे वाह, चॉकलेट! हाँ, पहले खाएंगे फिर गेम खेलेंगे। देखो तो कैसे खा रहा है, जैसे घर का खाना नहीं देते इसे, हैं? ये सारे बच्चे मेहमान के घर आके ऐसा क्यों करते हैं? नाज़ली, बुध की शाम आलिया का प्रोग्राम उसी जगह पर है, तुम भी इनवाइटेड हो। मैं आना चाहती हूँ लेकिन नहीं आ पाऊंगी। हाँ, शायद वो फतोश यहाँ आ जाएगी। मुझे अंदाजा था। फतोश और अपनी बहन को बता देना। कह दूंगी। हाँ भाई बुलुत साहब, जैसे कि हम चॉकलेट खा चुके हैं तो फिर क्या करेंगे? अब हम खेलेंगे। ओह यस, चलो फेंको, मैं खाता हूं। नीचे गिर गया। अगला। कर लिया। खाने के लिए बहाने बना रहे हो तुम। ये तो बहाना है। बच्चे की चॉकलेट छोड़ दो। बहुत मजेदार है, तुम भी चखो सच में। अच्छा, तो तुम्हें भी बहुत पसंद है? हाँ, इतनी ठंड में तो बिल्कुल पसंद नहीं करती मैं। ऊपर से हाथ में कुछ बांधो, पैरों में कुछ बांधो, इतनी सेफ्टी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। लेकिन की है मैंने, मुझे आती है अच्छी तरह। मैं भी बिल्कुल पसंद नहीं करता, हमेशा एक ही चीज, पहाड़ के ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, बहुत बोरिंग है। है ना, सही कह रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी जाती तौर पर मुझे धूप पसंद है। 30-35 दर्जे हरारत से मुझे कुछ भी नहीं होता, बर्दाश्त कर लेती हूँ मैं। इसका मतलब तुम्हारा मौसम आ गया है फिर। वीकेंड पर फिर तुम चश्मे या बॉर्डर निकल जाती होगी। तुम चाहो तो एक बार साथ चल सकते हैं हम। बिल्कुल, क्यों नहीं चलते। लेकिन मैं काम में काफी मसरूफ होती हूँ। गर्मियों में तो वैसे भी काम ज्यादा होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी पूरी। ठीक है, वादा। अच्छा, घुड़सवारी पसंद है क्या आपको? अरे मुझे एक दफा बहुत शौक उठा था कि आसपास के लोग करते हैं तो मैं भी करके देखता हूँ। अब उसके लिए हार्नेस, जूते और पता नहीं क्या क्या सीखना होता, सुना तो होगा तुमने। हाँ, मैं तो बिल्कुल जानती हूँ, बहुत पसंद है मुझे घुड़सवारी। मुझे लग रहा है कि हम दोनों की सोच एक ही है, हम दोनों शहर के रहने वाले जो है। ठीक कह रहे। तो क्या ख्याल है, वहाँ चल के नाश्ता करें एक दफा? घोड़े पर सवार भी हो जाएंगे और थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। मुझे लगता है चलना चाहिए। बिल्कुल। एक मिनट रुको। हाँ फरीद, ऐसा मत कहो यार। ओहो ठीक है,
मिलकर बात करते हैं इस पे। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, ऑफिस से कॉल थी। अगर चाहे तो चलते हैं यहाँ से। हाँ, लेकिन अभी तो कुछ खाया भी नहीं है, सही से बात भी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, दोबारा मिलेंगे तो खाएंगे। मैं वैसे भी काम से ज्यादा दूर नहीं रह सकती, थोड़ा वक्त मिलता नहीं है कि ये लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, इसी वजह से हर वक्त वहाँ मौजूद रहती हूँ मैं। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ और रास्ते में बात भी हो जाएगी। ठीक है, इधर आओ। हेलो, मिसेस इकबाल, वकीलों को बता दिया है आपने? बता दिया है फरीद साहब। दहमद और हक्कान केस फाइल कर सकते हैं क्या, या वो बहका रहे हैं? मिस दहमद बलूत की फुप्पो हैं, टेक्निकली तौर पर ये बिल्कुल राजी दाखिल करवा सकती हैं। जीतने के इम्कानात? मिस दहमद का माजी में फैमिली के साथ की जिंदगी और बलूत के साथ कोई राबता ना होना उनको कमजोर करता है, लेकिन दूसरी तरफ से फैमिली इन्वायरमेंट अदालत को दिखाना बहुत जरूरी है। फैमिली इन्वायरमेंट? दहमद और हक्कान के साथ फैमिली इन्वायरमेंट? वो बुलुत के सरपरस्त क्यों बनना चाहते हैं ये बात वाजह है, उन्हें उस मासूम की बिल्कुल परवाह नहीं। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, समझ गए? बिल्कुल फरीद साहब। तुम्हें देख के मुझे लगता है तुम काफी सख्त बॉस हो। हाँ बिल्कुल, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं काम पर वक्त से जाऊंगी, दोपहर में खाने से वक्त से वापस आ जाऊंगी, और यही चीज मैं अपने मुलाजमीन से एक्सपेक्ट करूंगी, तो कुछ गलत नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं मेहनती हूँ तो वो भी मेहनत करने के लिए मजबूर है। आज मुझे कुछ काम है, लेकिन फिर किसी और दिन तुम्हारे फैशन हाउस में चक्कर लगाऊंगा मैं, क्योंकि वहाँ की हर चीज को बिजात जांचना चाहता हूँ मैं। कुछ गलत तो नहीं है ना इसमें? हाँ क्यों नहीं। वो असल में मुलाजमीन पर मैंने कुछ पाबंदियां लगाई हैं, तो अगर मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो उनको भी बुलाना पड़ेगा ना, फिर तो उनको कैसे रोकूंगी कि वो लोग किसी को ना बुलाए। अब समझा, पहला सबक शायद यही है हमारा। फतोश मैडम, हम यहाँ से मुड़ रहे हैं या सीधा जा रहे हैं? सीधे मुड़ो मत, मैं वहाँ उतर जाती हूँ, आप लोग जाइए। तुम्हारी जगह पर भी छोड़ सकते हैं, ये अगर वो छुपा रही हो तो अलग बात है, वैसे खतरे को दूर रखने की कोशिश है ये। प्यारे एंगिन। नहीं, मैं सुबह रनिंग नहीं कर पाई ना, तो सोचा कि अभी कर लेती हूँ, बस इसी वजह से कह रही हूँ मैं। और आपके भी तो कितने काम रुके हुए हैं ना, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है। अब देखो बच्चों, कैसा सबक सिखाती हूँ। नहीं जी दूंगा। अब आएगा आग का गोला, इंतजार करो। नहीं आएगा, तुम फेंकोगी तो मैं हट जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ। बस मैंने किक मारनी है और मैं जीत जाऊंगा। नहीं जीत पाओगी, टाइम बहुत कम बचा है। ओ अरे बहुत अच्छा है ये तो, मैं जीत जाऊंगा देख लेना। देखा? हाँ, कैसा जा रहा है खेल? कैसा हो सकता है। चाचू, नाजली को हरा दिया, आपको भी हरा दूंगा। यकीनन हम खेलेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रुकते हैं। लेकिन खेल क्यों रोक रहे हैं आप? मेरी बाजी यहाँ से गुजर रही थी तो मिलने आ गई मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो नाजली, मिलके अच्छा लगा। मेरा नाम दैमित है। नाजली हादसे के बाद बलूत की ठीक होने में मदद कर रही है। बलूत, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे बाबा की एक और बहन भी है, यानी तुम्हारी पप्पो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। हाँ, वही ऑस्ट्रेलिया वाली पप्पी, तुम्हारी वो पप्पी ये है, ये हमसे मिलने वहाँ से आए हैं। अरे आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं? वो कैंगरू के रहने की जगह है ना? हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल। आपके पास कैंगरू है क्या? आप हंस क्यों रही हैं? जैसे हमारे यहाँ बिल्ली होती है, चिड़िया होती है, उसी तरह। नहीं मेरी जान, मेरे पास कोई कैंगरू नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हर जगह कैंगरू नजर आते हैं। फिर तो डॉग और फिश भी होगी। हाँ बिल्कुल, वेल भी है वहाँ पर। क्या वाकई में? हाँ सच में। वाह क्या बात है। क्या तुम्हें एक किस कर लूँ मैं? जी हाँ। अब आप मेरे साथ खेलेंगे ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा।
हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसे करते हैं। तुम्हारे भाई के जनाजे में देखा था इन्हें, पता नहीं था ऑस्ट्रेलिया से आई हैं। अरे इसे यूं पकड़ी। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ मुझे खेलना। एक्चुअली तुम्हें एक ट्रिक सिखाऊं? इनके लिए हमारी फैमिली में नाराजगी पाई जाती है, एक शहर में रहने के बावजूद सालों से नहीं मिले, एक लंबी कहानी है। हाँ बहरहाल बहन तो है ना, सगे रिश्ते हैं, मोहब्बत तो फितरी है ना। दरअसल भैया इसे ये बात बहुत पहले बता देना चाहते थे, ये ऑस्ट्रेलिया वाली बात सब झूठ है। डेनिस मुझे समझ नहीं आ रहा, बुरा मत मानना, बहुत अच्छी लग रही है तो क्यों रिश्ता खत्म किया? हमारे बड़ों का बहुत दिल दुखाया इन्होंने, अब्बा की कंपनी और हमें बचाने के लिए इन्होंने कुर्बानी दी, इन्हें फैमिली से निकाल दिया गया। नाजली क्या मैं तुमसे एक फरमाइश करूं? इस बारे में फरीद को कुछ भी मत बताना। डेनिस ठीक है। जैसे मैंने कहा कि माजी में बहुत सारे गहरे जख्म हैं, फरीद मेरे सगे भाई की तरह है, सुनेगा तो नाराज होगा और इसमें कोई शक नहीं कि वो हक पर है। उन दोनों जी हाँ, सालों बाद मिल रहे हैं दूसरे से। लेकिन बस कुछ टाइम के लिए ही। बिल्कुल। जी फरीद साहब, क्या तुम बुलुत को लेके फिजियोथेरेपी के लिए गई थी? जी गए थे, लेकिन बुलुत को अपने चाचा से मिलना था, मैंने मिस इकबाल को बता दिया है सब। इस वक्त कहाँ हो तुम? बुलुत बाहर निकलने के बाद घर जाना नहीं चाहता था, अपने चाचा से मिलना चाहता था वो, इसलिए मैं डेनिस के घर ले आई। सही किया, सुबह भी साथ में नहीं खेल पाए थे। मैं फिर जीत गया। ऐसा लगता है कि बुलुत को बहुत मजा आ रहा है। हाँ ऐसा ही है। फोन उसको दे सकती हो, उससे बात करूंगा। जी दे रही हूँ। बुलुत तुम्हारे मामू का फोन है। दो मिनट रुकिएगा। हेलो मामू जान, लगता है मजा आ रहा है तुम्हें। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मेरी दादी फूफा आई है। दैमित वहाँ है क्या? जी हाँ। ठीक है बुलुत, तुम जरा फोन नाजली को देना, तुमसे बात करेंगे। फरीद साहब जल्दी घर आ जाओ नाजली। ठीक है थोड़ी देर में निकलती हूँ। मैंने कहा अभी निकलो, थोड़ी देर में नहीं। डेनिस क्या है क्या? डैमिट भी वही थी, कहां से पता चला उसको? यकीनन डेनिस के मुंह से ही बात निकली होगी। उसका बुलुत के पास होना मुझे पसंद नहीं है। गेंद मामू देखें, मेरी उंगली अपनी जगह से हट रही है। शाबाश, उंगली टूट गई है। बुलुत जल्दी से खाना खाओ, देखो अभी तक कुछ नहीं खाया तुमने। थोड़ी देर में खाऊंगा। मामू पता है ऑस्ट्रेलिया में इंसानों से ज्यादा केंगरू है। ऐसा क्या? जी जी ऐसा ही है, वहाँ एक चिड़िया भी है जो उड़ नहीं पाती। तुम्हारी फूफो ने ये सब बताया है? हाँ सब फूफो ने बताया है, वो जब यहाँ आएंगी तो सारी तस्वीरें दिखाएंगी। मैं ये खाली बर्तन उठा लेती हूँ, सॉरी, आप लोग खाइए। तुम्हारा मुंह क्यों खुल गया बुलुत? डैमिट डेनिस क्या थी, तुम्हें पता था क्या? नहीं तो डेनिस को भी नहीं पता, वो हम तीनों घर पे खेल रहे थे, एकदम से दरवाजे पे मिस डैमिट आ गई, बाद में देखा तो दोनों बात कर रहे थे, मैंने भी कहा थोड़ा वक्त साथ गुजार लेंगे। बहुत प्यार किया होगा। हाँ फुप्पो हैं, एक ही खून है। और अब ज्यादा बाहर ना निकलना। ठीक है हम थोड़ा एंजॉय करने के लिए। मैं जब शाम को घर आ जाऊं जहां कहोगी वहां ले जाऊंगा, कुछ दिन घर पे ही खेलो, जो चाहे मर्जी करो, ये बुलुत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और मजीद तुम लोग क्या करते हो मैं ये जानना चाहता हूँ। मामू मैंने खाना खत्म कर लिया। समझ गई? जी समझ गई। ठीक है फिर।
या मेरे अल्लाह, क्या मुश्किल है, कितनी मुश्किल जिंदगी है इनकी। तो अरे आराम से, बुलुत सो रहा है। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी, ऐसे कोई आता है क्या अचानक से? पानी पियो। शुक्रिया आपका। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही क्या? पहली मर्तबा ऐसा होता है। रूम अगर सही नहीं है तो? सही है, बहुत शुक्रिया। चिमनी भी है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मुझे कमरे में चिमनी बहुत पसंद है, खुशगवार माहौल हो जाता है बहुत। फरीद साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहती थी, शायद फायदेमंद रहे। मिस दमित वाला वाक्या? जानता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन मैं कुछ और कह रही हूँ। बुलुत और मिस दमित एक दूसरे से मिलने पर, मिस दमित ने उसको बहुत प्यार किया और बुलुत को भी बहुत अच्छा लगा। यानी ऐसा नहीं था जैसे सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। आपको बताना था। बुलुत? बुलुत, डरो मत, डरो मत, सब ठीक है। तुमने ख्वाब देखा है, डरो मत। नाज़ली, मुझे अम्मी याद आ रही है, मैं बाबा से मिलना चाहता हूँ। वो देखे, लेमन साइबर नर्स के पास है। अम्मी की तबीयत कैसी है डॉक्टर? कोई भी जिस्मानी बीमारी ठीक ना होने वाली नहीं है। अगर लेमन हमारी मदद नहीं कर रही, घर पर हमारे लिए काम करने वालों की भी मदद नहीं की, इसी वजह से हमें आपकी जरूरत पड़ी। सही कहा आपने, हम पूरी कोशिश के साथ अपना काम कर रहे हैं और बात करने से हमें मना नहीं कर रही, लेकिन आपका लगातार यहाँ आना उनके लिए बहुत अच्छा है। प्लीज आप आते रहिएगा। ठीक है, मैं बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप जाइए। शुक्रिया। आइए फरीद साहब। शुक्रिया। कैसी हैं आप? क्या आप ठीक हैं? आप ठीक हो जाएंगी अम्मी, पहले की तरह सेहतमंद हो जाएंगी। आप थोड़ा और सही हो जाए, मैं बुलुत को भी ले आऊंगा घर, वो भी ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल लाइफ में आ रहा है वो। आप प्लीज डॉक्टर्स की बात सुनिए, उन लोगों की मदद करें। आपको सब लोग बहुत याद करते हैं, आप नहीं याद करती उनको?
ठीक है, आप जब जाएंगी मैं आपसे उस वक्त बात करूंगा। अरे फतोश, कोई ख्वाब नहीं देखा मैंने यार। मैं तो सारी रात बलूत के पास थी, उसका ख्याल रख रही थी। रोते रोते सो गया बेचारा। ओ, सच में ऐसा हुआ क्या? अभी कैसा है वो? अभी भी सो रहा है, मैंने जगाया नहीं उसे, थोड़ा आराम कर लेगा। हाँ अच्छा किया। अरे अरे नाजली, पहली मर्तबा उस घर में रुकी हो, कोई बात नहीं है क्या मुझे बताने के लिए? फतोश, तुम्हें मेरी जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी, लेकिन यकीन करो ऐसा नहीं है। वो हर इंसान की तरह है, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह है, मतलब हमारी तरह खाना खाता है, हमारी तरह सांस लेता है। वैसे तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जो भी हो मुझे क्या। अच्छा, तुम्हारी आसुमन से बात हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई उससे, लेकिन आज वो आ रही है, फिक्र मत करो तुम। शाम में निकलेगी शायद, सुबह में पहुंच जाएगी। तुम क्या कर रही हो वहाँ? नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बन ही नहीं रहा। ठीक है, हमारे बारे में पता है तुम्हें, बलूत के साथ आंख लग गई। तुम्हारा तो सुबह इंटरव्यू था, क्यों सोई दोपहर तक? हाँ, लेकिन दोपहर के बाद है। नाजली, ये फ्रिज में सारी चीजें सड़ गई हैं यार। फतोश, खराब नहीं हो सकती, मतलब अभी तो खरीदी थी मार्केट से। कसम से यार, तुम नहीं हो तो ये धनिया भी सूख गया है। कौन सा धनिया? फतोश, मैंने धनिया नहीं खरीदा था, वो सोया था। नाजली, गुड मॉर्निंग। फतोश जरा रुको। देखो नाजली, मैं खुद से आया हूँ। शाबाश, आओ। फतोश, मैं बाद में फोन करती हूँ। नाजली, क्या तुम जानती हो मैंने ख्वाब में क्या देखा? जरूर कुछ अच्छा देखा होगा, बताओ। तुम्हारे साथ सिनेमा जा रहा था। फिर? एक बहुत कॉमेडी फिल्म देखने। फिल्म इतनी कॉमेडी थी कि हमारे हाथ से पॉपकॉर्न गिर गए थे। ओह, देखो बहुत अच्छी है। नाजली, आज हम फिल्म देखने चले क्या? प्लीज प्लीज प्लीज। बुलूत, बुलूत, क्या आज हम घर पे बैठ के आराम से मूवी देख सकते हैं? लेकिन घर में मेरा दिल घबराता है, घर में मैं अंदर से बहुत परेशान हो जाता हूँ। जैसे दाएं बाएं से कोई दबाता है क्या? जी हाँ। ठीक है, खाने पे बात करते हैं। देखो तो, ये एक शर्ट कितनी एक्सपेंसिव है। या अल्लाह, मुझे इतना पैसा दे दे कि मैं जो चाहूँ वो खरीद सकूँ, कोई कमी ना रहे मेरे पास। सलाम। क्या है ये सब? दमीर के तैयार करदा कागजात है। वो हमारी इस कंपनी का 5% हिस्सा अपनी उस बहन दैमित को देने वाला था। सामी चाचा ने तमाम बच्चों में मीरास को बांट दिया था जब वो जिंदा थे। दैमित की उस मक्कार से शादी की वजह से उसके वालिद ने उसे नाराज होकर उसे कम हिस्सा दिया था। सबका अपना फैसला ही। दैमित इस वजह से परेशान था, उसने हिस्से में चेंजेस के लिए कागजात बनवाकर दरखास्त की। मैंने कहा हो जाएगा, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहा क्या ऐसा करूं। देखो, उस वक्त दैमित से कहा था, अब तुमसे भी कह रहा हूं, सामी चाचा ने कुछ सोच कर ही किया होगा। दैमित को इस कंपनी में हिस्सा देने का मतलब है हक्कान को हिस्सा देना। एंगेन सिर्फ 5%, वो इससे कुछ भी नहीं कर सकता। यार, मसला करने या ना करने का नहीं है फरीद, हर रोज उस आदमी का चेहरा देखेंगे कंपनी में। सिर्फ इसी वजह से दैमित और दैनिस के वालिद ने इस कंपनी में अपनी बेटी को हिस्सा नहीं दिया। एंगेन ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए दमीर की तरफ से एक वसीयतनामा है। ठीक है, लेकिन अभी इसके बारे में बात नहीं करते, पहले ये दावा खत्म हो जाए। किसको क्या देना है बाद में देख लिया जाएगा। तुम सही हो।
इस फाइल को इस तरीके से मत छोड़ो, तुम इसे घर ले जाओ। माफी चाहूंगी। अरे मैं ये पहनकर उतारना भूल गया, प्लीज बुरा मत मानिएगा। एक मिनट रुक जाइए, माफ कीजिएगा, मुझे आपका बैग चेक करना होगा। देखिए मुझे स्टडीज के लिए देर हो रही है, आप मुझे जाने दीजिए। प्लीज मैडम, मेरे बैग को हाथ मत लगाइए। आपका बैग चेक करना होगा, आप ऐसे नहीं जा सकती। आपको कोई हक नहीं है, ये मेरा बैग है, आप किससे पूछ रहे हैं? आपने इसकी अदायगी की है मैडम? मिस्टर आसिम क्या हुआ? सर चोरी का मसला है। आइए मैडम, मेरे साथ आइए। मेरा हाथ छोड़ो। मुझे छोलों का पुलाव खाना है, क्या आपके पास है? इसके अलावा? हाँ ठीक है, अचार भी ले आओ। डोरिया बाजी क्या हाल है, कैसी हो, क्या बनाया है? अच्छा बात सुनो, अचार में सिर्फ गोभी हो, खीरा ना हो, जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा लाना, और एक आयरन के साथ सोडा भी लाना। मिस वटूष। हेलो, तुम्हारा नाम तारिक है ना? हाँ, आप खाना खाइए। आओ तुम भी बैठो। नहीं नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं दूसरी तरफ बैठूंगा। नहीं यहाँ कोई खाली जगह भी नहीं है, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ मेरे साथ। अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं बैठ जाता हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, शुक्रिया। वो असल में आपको यहाँ देखकर मैं थोड़ा चौंक गया, कैसे कहूँ, इसकी तवक्को नहीं थी। वो मेरी रूममेट है ना, बहुत करीबी दोस्त है मेरी, बहुत मशहूर शेफ है, उसने मुझे यहाँ का पता बताया था, तब से मैं यहाँ आ रही हूँ। वैसे भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाकर मैं बोर हो गई हूँ जरा, बस एक बार यहाँ का खाना खाया, क्या खाना था आप जानते होंगे शर्मिया। ये जगह हकीकत में बहुत मशहूर है, आप सही कह रही हैं, मैं भी यहाँ पर अक्सर कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर आता हूँ, आज भी इसीलिए आया था। दोस्त मेरे लिए भी यही ले आना, चना और चावल। खाइए खाइए प्लीज, पहले कभी मैंने देखा नहीं, वो आयरन और सोडा को एक साथ मिलाते हुए, ये काफी दिलचस्प। ये आप इसके बारे में नहीं जानते क्या? अरे बहुत अच्छी चीज है। ऐसा क्या? एक मिनट रुको। एक सेकंड, कसम से आप जरा भी जहमत मत। अरे छोड़ो ना, मैं करके देती हूँ तुम्हें, एक सेकंड रुको। हाँ थोड़ा सा इसको चम्मच से घोल लो, बस हो गया। आयरन और सोडा के लिए। आयरन और सोडा के साथ नोश फरमाएं। अभी कैसा है, अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन चीज है, गर्मी में ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होगा। हाँ वैसे भी पी सकते हैं। तुम कैसे बच्चे हो बुलू, तुमने मुझे कैसे इंसिस्ट कर लिया? नाज़ली, बरके और उसकी अम्मी गई थी, बहुत हंसे होंगे, ये एक कार्टून फिल्म है लेकिन आपको भी बहुत पसंद आएगी, देख लीजिएगा। मुझे पहले से ही पसंद है, फरीद मामू को पसंद नहीं आएगी, उन्होंने कहा था कि घर पे बैठो। नाज़ली मैं नहीं बताऊंगा, तुम भी नहीं बताना ठीक है? ऐसा ही करेंगे, तुम्हारी वजह से झूठी बन गई हूँ। नाज़ली ये हमारा राज है। हाँ बोलिए। बिल्कुल, आसुमान मेरी ही बहन है। कौन सा स्टेशन? कौन सा स्टेशन? देखिए देखिए उससे कोई गलती हुई होगी, मेरी बहन चोरी नहीं कर सकती। ठीक है मैं अभी आ रही हूँ, यही रह गया था। एक सेकंड प्लीज रुकिएगा आप। भाई जरा आप इनसे पूछिए कौन से स्टेशन बता रहे हैं।
हेलो, मैं टैक्सी ड्राइवर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। नाली पुलिस स्टेशन कहाँ होता है? जहाँ पुलिस वाले होते हैं। जहाँ पुलिस काम करती है? शायद सनमा से ज्यादा मजा आ सकता है वहाँ। आसमान की वजह से हम दोनों मजे करेंगे। ओफ आसमान, ओफ, कहाँ फंसा दिया तुमने। बहुत भूख लगी थी मुझे, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था भाई। एक बात कहूँ, अगर आपको इसी तरह स्ट्रीट फूड पसंद है तो यदि कुल में एक सूप की दुकान है, उसके जैसा कोई नहीं है, एक नंबर बनाता है। वो जगह देखिए आप। नहीं तो नॉर्मल सी बात है, आप नहीं गई होंगी। सबसे अच्छा सूप और सबसे मशहूर भी है। इश्कैम्बे में सबसे मशहूर वही है। इश्कैम्बे क्या? मुझे इश्कैम्बे बहुत पसंद है। फिर तो बहुत अच्छे खाने मिलते होंगे वहाँ। वहाँ ना हो ऐसा कैसे हो सकता है मिस फटूश, एक नंबर का बेहतरीन सूप बनाते हैं वो। उस सूप को पीने के बाद लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। सच में मैं वहाँ जाना चाहती हूँ यार। वैसे ये किस जगह पर है? असल में वो मैदान है ना। ऐसा करते हैं, अगर आप चाहो कभी फुर्सत में मैं आपको ले चलूंगा। हाँ बिल्कुल, साथ में चलेंगे। सच में? कमाल का है। तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या? हाँ, क्यों नहीं होगी मेरी फैमिली। आपको बताया तो था कि हम गर्मियों में अपने घर जाते हैं। हम अंताकिया से हैं। बस आती ही होगी मेरी बहन, आप ये सब उनसे पूछ लीजिएगा। आसुमान, आसुमान क्या हुआ है? तुम तो बोर्डरूम में थी, यहाँ कैसे आ गई? क्या आप इनकी बड़ी बहन है? जी हाँ। आपका नाम नाजली है? जी नाजली हूँ। नाजली मैडम, आपकी बहन शॉप में चोरी करते हुए पकड़ी गई है। क्या? आसुमान, जानते हैं वो मारंग नाम की एक चीज है, थोड़ी चौड़ी है, उसको फेंको वो आ जाती है, फेंको आ जाती है। उसको ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। वाकई में? तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? मेरे पापा ने बताया था। तुम्हारी आपा का टेलीफोन बज रहा है। अरे तो नाजली मेरी आपे नहीं, मेरी दोस्त है। किसका फोन है? मिस्टर फरीद, मामू है। हेलो मामू, मैं नाजली के साथ एक जगह आया हूँ। यहाँ का नाम क्या था? थाने में है। थाने में है क्या? पुलिस स्टेशन में। बोलो तो अपना फोन पास वाले आदमी को दो। हाँ पुलिस वाले को दो। हेलो, गुड मॉर्निंग, पुलिस स्टेशन का नाम क्या है? ठीक है, मैं करीब ही हूँ, आ रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा आसुमान, तुम यहाँ आके चोरियाँ करने लगी हो। ये सब कब हुआ? तुम तो इंटर्नशिप करने गई थी बोर्डरूम। अरे आपा मेरे ऊपर क्या गुजारी और आप उनसे क्या पूछ रही है? मैं नजला के साथ फ्लाइट में आई हूँ यहाँ। जहाज से? तुम्हारे पास जहाज के टिकट के पैसे कैसे आए? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे ये बताओ कि तुम वहाँ क्या कर रही थी, क्यों की तुमने चोरी और तुम जहाज से कैसे आई? जमा किए थे मैंने, और मैं बस से घंटों का सफर करके आ नहीं सकती थी यहाँ। बस ये बात है, मैं तंग आ गई थी वहाँ। तुम थोड़ा भी अपनी बहन को नहीं पहचान पाई। नजला कहाँ है? उसके कजन उसे ले गए, फिर मैं टैक्सी में बैठकर शॉपिंग पर चले गई क्योंकि यहाँ पर काफी जल्दी पहुँच गई थी मैं। शॉपिंग? तुम खरीदारी कर रही थी? आसुमान मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझी तुम? हाँ तो अब क्या हो रहा है यहाँ? सर, मैं आसुमान की बड़ी बहन हूँ, मैं आपसे इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। आसुमान बहुत शर्मिंदा है, माफ़ी मांगो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप यकीन करें मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ, प्लीज मुझे माफ़ कर दे, माफ़ी चाहती हूँ मैं। सच में ये ऐसी इंसान नहीं है, प्लीज इसको एक मौका तो दीजिए। बुलुत, मामू आप आ गए। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ें, नाजली की बहन आई है, अंदर है, पुलिस से बात कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बहन से कुछ सीख लो, दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करना। फरीद साहब, मैंने आपको कॉल की थी लेकिन। ठीक है, बाद में बात करेंगे। नाजी तुमसे दरख्वास्त है, इसे ले सकती हूँ। बुलुत साहब तैयार हो क्या? 1 2 3 ठीक है ना आपा, क्या आप साथ चलेंगी? नहीं, मैं कुछ दिन के लिए फरीद साहब के घर पे हूँ,
बुलुत के साथ रहने के लिए। वाह, और ये सब कैसे हुआ? तुम्हें कॉल तो की थी, तुम्हें पता ही नहीं चला। देखो आसुमान, सीधी घर जाओ और मैं कॉल करके पूछूंगी तुम्हें। देखिए, आप इस जॉब को पहले भी गवा चुकी है, अब मत गवाइएगा और इस आदमी को हाथ से जाने मत दीजिएगा। इतनी जोर से थप्पड़ मारूंगी कि दिमाग ठीक हो जाएगा। इसे पकड़े, मैं मिलकर आती हूँ उनसे। आसुमान यहाँ आओ। फरीद सर, मुझे बहुत अफसोस है, आज ही गलतफहमी हो गई, बस आपको भी यहाँ तक आना पड़ा। कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें थोड़ी अकल दे आसुमान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नाज़ली, शब बख़ैर फरीद साहब। मैं थोड़ी हवा खाने बाहर आई थी, बुलुत खाना खा के सो गया था। तुम्हारे हिसाब से नॉर्मल नहीं है क्या? आज ज्यादा ही मसरूफ दिन गुजरा। नॉर्मल मेरा मतलब ज्यादा मसरूफ पर थोड़ा नॉर्मल। जिंदगी हमेशा इतनी पुरसकून थोड़ी रहती है, बाज़ औक़ात हम ऐसे हालात में फंस जाते हैं। हम सबकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून रहे, इसके लिए मैं लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे देता हूँ, उनमें से एक तुम भी हो नाज़ली। बुलुत की ज़िंदगी पुरसकून रहे, इसकी जवाबदेह हो तुम। ऐसा लगता है तुम्हें घर से निकलने के लिए कहा ही नहीं गया हो। माफ़ कर दीजिए फरीद साहब, मैं सच में माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे बुलुत को लेकर थाने नहीं जाना चाहिए था बिल्कुल। म्याओ म्याओ, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें भूख लग रही है? आओ आओ, जल्दी आओ। ये तो बंद हो गया। ओफ, किचन के गेट से जाती हूँ। शाबाश, तुम सब बंद हो आज। किसी दिन तो सुकून हो। उठ जाओ, सब सुबह हो गई है। ओफ नाज़ली, ओफ। अब बेल बजाऊंगी तो बुलुत उठ जाएगा। एक बिल्ली की मोहब्बत में आ गई मैं। हेलो, मैंने बाहर बिल्ली की आवाज सुनी थी। मैंने तो नहीं सुनी। मुझे लगा आप उसकी वजह से आए हैं। मैं भी बिल्ली की वजह से बाहर आई। ऐसा है? हाँ, फिर आप क्यों आए हैं? मैं बिल्ली की आवाज नहीं, दरवाजे की आवाज सुनकर आया हूँ। दरवाजे की? हाँ ठीक है, लगता है वो बिल्ली भूखी है, आप उसे खाना दे दीजिएगा। मैं सोने जा रही हूँ, मैं उसे बाद में ढूंढ लूंगी। बिल्ली मिली क्या? नहीं, लगता है भाग गई। आपके लिए नाश्ता बना दूं? मेरे लिए नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है नाज़ली। मैं बना सकती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने थोड़ा बहुत खा लिया है। ठीक है नाज़ली।
कल मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा हो गया। हाँ वो मसला नहीं, नहीं मुझे बच्चे को थाने नहीं लेके जाना चाहिए था, लेकिन गलती से ऐसी चीजें हो जाती हैं। पुलिस स्टेशन की बात नहीं है, उस बात पे तो मैं सही था। एक छोटे बच्चे को लेके जाने की जगह नहीं है वो। बाहर ना निकलने का मेरा मकसद, बुलुत की पुप्पी डैमिट है, बुलुत की गार्जियनशिप के लिए केस फाइल करेगी, इसलिए बाहर जाने से मना करता हूँ। लेकिन एक मिनट, यानी क्या वो बुलुत की सरपरस्ती ले सकती है? नहीं, उसका शौहर हक्कान ज्यादा चाहेगा। जो उसके दिमाग में है उसको करने के लिए वो कुछ नहीं सोचेगा। इन लोगों के सालों से आपस में ताल्लुकात नहीं थे, इसी वजह से तुम्हारे बाहर होने पर मैं नाराज हो गया। शायद तुम घर पर रहोगी तो बुलुत ज्यादा महफूज रहेगा। आपको बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, उसकी फुप्पो से नुकसान क्यों पहुँचाएंगी? मेरा मतलब है, आप दोनों की आपसी दुश्मनी की वजह से बुलुत अपनी फुप्पो से ना मिले। मेरे ख्याल में ये एक बच्चे के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं आप। नाजली, जैसे तुम देख रही हो, कुछ भी इतना आसान नहीं है।